ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, फर्स्ट इंडिया आपके लिए लेकर आया है डॉक्टर्स कॉन्क्लेव, और इस कॉन्क्लेव में हम आपको अलग अलग जिले के डॉक्टर्स से जोड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस कोरोना से कैसे बचें। हालांकि खौफ में आपको नहीं आना है, लेकिन लापरवाह भी नहीं होना है। और अब हमारे साथ में SMS मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर स्वाति श्रीवास्तव जुड़ गई हैं। डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव, आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर। मैम, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, SMS अस्पताल, यहाँ पर सबसे ज्यादा केसेस आते हैं, ना सिर्फ जयपुर के, पूरे शहर के, बल्कि पूरे बात करें राजस्थान के वो केसेस आते हैं, तो क्या ऐसे में स्थिति कंट्रोल में है? जी, SMS हॉस्पिटल और RUHS मिलकर काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स जो राजस्थान के हैं उनको केटर करता है, और काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं। तो स्थिति की यदि हम बात करें तो अभी पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में एकदम सडन राइज हुआ है केसेस का, जैसे कि आप सब जानते हैं पूरे देश भर में राइज हुआ है, उसी केसेस के नंबर बढ़े हैं। उसी प्रकार से यहाँ के भी जो केसेस हैं, जयपुर के भी और SMS हॉस्पिटल में भी केसेस बहुत बड़े हैं, और काफ़ी सुविधाएं उसी हिसाब से रखी हैं, क्योंकि RUHS में काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ बेड्स ज़्यादा हैं और सुविधाएं भी काफ़ी हैं, तो काफ़ी प्रयास है कि सब मरीजों को उचित उपचार किया जाए और उनका इस बीमारी का कंट्रोल पाया जाए। जी, और मैम एक सवाल कि ऐसा होता है क्योंकि अब कोरोना के पेशेंट ही सबसे ज़्यादा आ रहे हैं और यही देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे में जो और पेशेंट होते होंगे और बीमारियों के, उनको कैसे ट्रीट करते हैं या कैसे उनको फिर आप डिफरेंशिएट करते हैं, किस तरह से ये प्रोसेस रहता है? जी, सुन पा रही है मैम आप? स्वाति जी, सुन पा रही हैं आप हमें? तो आपको आज हम डॉक्टर्स कॉन्क्लेव के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप वायरस से बच सकते हैं, इस संक्रमण से बच सकते हैं, क्योंकि लगातार जो संक्रमण है वो फैलता जा रहा है। डर कई लोगों में नहीं है, लापरवाही बनी हुई है, क्योंकि हमें अब लापरवाह नहीं होना है, क्योंकि ये जो संक्रमण है उसकी दर बहुत ज्यादा है। अगर पिछली वेव की बात करें तो 2 गुना जो दर थी वो बढ़ रही थी, लेकिन अब जो दर है वो बढ़ती गई है और 4 गुना से ज्यादा होती जा रही है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में स्थिति को अगर हमें नियंत्रण करना है, नियंत्रित रखना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम खुद को अलग कर लें, आइसोलेट कर लें। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तभी बाहर निकलें, अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें। अगर बाहर जा भी रही हैं तो मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। इसे आप जरा ऐसे समझिए कि जिस तरह से जो सोल्जर होता है वो बॉर्डर पर रहता है और देश की रक्षा करता है, हम सिविलियंस आम लोगों को सिर्फ ये करना है कि जब देश अब खतरे में है, जब हमारे ऊपर महामारी का खतरा मंडरा रहा है, तब हमें खुद की रक्षा करनी है। और ना सिर्फ हम खुद की रक्षा करेंगे बल्कि दूसरों की रक्षा भी करेंगे अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हमारे मन में हो जाते हैं कि क्या है ये कोरोना वायरस, कैसे बचना है, बहुत सारे सवाल हैं, और इसीलिए हमारे साथ तमाम डॉक्टर्स एक के बाद एक जुड़ रहे हैं। और इस वक्त एक बार फिर से डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, आवाज़ आपको आ रही है मेरी? जी, अब आ रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन और भी मरीज होंगे। मान लीजिए कि कोई जिसे अस्थमा है वो मरीज आता है, तो आप ये कैसे फिर डिफरेंशिएट करते हैं कि ये अस्थमा का मरीज है या इसे कोरोना वायरस का अटैक नहीं हुआ है फेफड़ों पर, लंग्स पर? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो वैसे भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं, केवल कोरोना ही नहीं बढ़ता है, बाकी बीमारियां भी बढ़ती हैं, तो उनको फ़र्क कर पाना कि ये दूसरी अन्य बीमारियां हैं या कोरोना है, या कभी कभी अन्य बीमारियों के साथ कोरोना भी होता है, ये भी देखना पड़ता है। तो उसमें कोरोना के जो कुछ एक लक्षण होते हैं, खासतौर पे देखा जाए तो बुखार, एकदम से बुखार आना, जुकाम, खांसी, हाथ पैरों में काफ़ी तेज़ दर्द, बदन जकड़ना,
कभी कभी ये वाले सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स को बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे सिर्फ आंखें लाल हो रही है, हाथ पैर थोड़े से ऐंठन सी हो रही है, ये कंप्लेंट लेके भी आते हैं पेशेंट। और आजकल कभी कभी उल्टी दस्त की शिकायत लेकर भी पेशेंट आते हैं। तो ये सब जब लक्षण होते हैं, तो जैसे कि अस्थमा का पेशेंट, आपने एक उदाहरण के तौर पे कहा कि अस्थमा का पेशेंट आता है, तो यदि उसे बुखार या बलगम ज़्यादा आना या बहुत अधिक हाथ पैरों में दर्द होना, सर दर्द होना, जुकाम एकदम से बढ़ जाना, यदि ये तकलीफें साथ में होती हैं तो फिर टेस्ट करवाना ज़रूरी रहता है। और फिर टेस्ट करके पता किया जा सकता है। और केवल आरटीपीसीआर, एक जो टेस्ट हम करते हैं कोविड-19 आरटीपीसीआर जो स्वैब के जरिए होता है, उसके अलावा वो तो किया ही जा सकता है, लेकिन उसके अलावा यदि सस्पिशन ज़्यादा है, शक ज़्यादा लग रहा है और आरटीपीसीआर में जांच में पकड़ में नहीं आ रहा है, तो पेशेंट सीटी स्कैन चेस्ट का भी करा के चेक कर सकता है। उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट मिलती है। जो हम HRCT चेस्ट कराते हैं, जो सीटी स्कैन होता है चेस्ट का, उसमें लगभग हम 85 से 90% मरीजों का बीमारी पकड़ में आ सकती है, उसकी जो स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होती हैं उसके हिसाब से। जी, लेकिन और मैम मान लीजिए आरटीपीसीआर टेस्ट किया और वो नेगेटिव आया, तो आप फिर ये कैसे देखते हैं कि ये मरीज हो सकता है से कोरोना के लक्षण हैं और कोरोना हो सकता है, इसलिए और दूसरे टेस्ट करवाए जाए? जी बिल्कुल, तो उसमें जो दूसरे अन्य टेस्ट बहुत ज़रूरी होती हैं। टेस्ट के पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्लिनिकल पिक्चर होती है, जो पेशेंट की जो लक्षण होते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसा मैंने अभी लक्षण बताए कि बुखार और बदन दर्द, ये लक्षण भी बहुत ज़रूरी है। केवल हम टेस्ट के भरोसे, लक्षण है फिर हमने PCR कराया, फिर भी यदि कन्फर्म नहीं हुआ तो आगे अन्य टेस्ट होते हैं, उसमें CT स्कैन टेस्ट का बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा कुछ एक खून की जाँचें भी होती हैं, क्योंकि ये जो कोविड-19 बीमारी है, ये केवल एक लंग्स का इन्फेक्शन नहीं है, ये बीमारी पूरे शरीर को असर करती है और इसमें पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन यानी जब हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो हमारे बॉडी की जो मारक क्षमता जो बन जाती है, जो हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड करता है कि भाई इन्फेक्शन आया तो उसके उसको उसको उसका मुकाबला करने के लिए जो मारक क्षमता सारी पैदा हो जाती है, वो होता है इन्फ्लेमेशन। और कोविड-19 में इन्फ्लेमेशन बहुत अधिक कभी कभी हो जाता है, जिसकी वजह से ही ज़्यादा नुकसान होकर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो इसके कुछ एक स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि CRP है, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो है, ईओसिनोफिल काउंट है वो घट जाता है, लिम्फोसाइट्स घट जाते हैं, CRP फेरेटिन ये बढ़ जाते हैं, LDH बढ़ जाते हैं, तो कुछ एक ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। और इसके अलावा एक बॉडी में एक हाइपर कोआगुलेबल स्टेट, यानी कि खून का थक्का जमना, थोड़ा सा गाढ़ापन होना, वो भी एक स्टेट आ जाती है। तो उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं खून के, जैसे कि डी डाइमर वगैरह। जी मैम, ये तो आप टेस्ट हमें बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये जानना चाहूंगी कि जो ज्यादातर केस आ रहे हैं वो हार्ट पेशेंट के हैं, या जिनको लंग का प्रॉब्लम है, या लिवर में प्रॉब्लम है, या सांस का प्रॉब्लम है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, या कहते हैं अस्थमा प्रॉब्लम है, उन लोगों के केसेस हैं? कौन से केसेस ज्यादा आ रहे हैं, यानी कि कोरोना जो है वो किन पर ज्यादा अटैक करता है? जी बिल्कुल सही बात है, कोरोना वैसे तो किसी पे भी अटैक कर सकता है, लेकिन किसी को हार्ट की परेशानी हो, जिसमें कि कभी पहले हार्ट अटैक की बीमारी रही हो, या किसी ने बाईपास करा रखा हो, या ऐसे हार्ट का इंटरवेंशन करा रखा हो, उनमें संभावना कोरोना इन्फेक्शन की अधिक होती है। उसी प्रकार से डायबिटीज़ के मरीजों में, ब्लड प्रेशर के मरीजों में, कैंसर के मरीजों में भी कोरोना की संभावना ज़्यादा होती है। कई पेशेंट्स इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट में होते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में होते हैं, उनमें भी ये रिस्क रहता है। इन जनरल इन पेशेंट्स में सारे वायरल बीमारियों की रिस्क ज़्यादा रहता है, उसी प्रकार से कोरोना का भी रिस्क ज़्यादा रहता है। कोरोना का रिस्क स्पेसिफिकली हार्ट वालों को, डायबिटीज़ वालों को, किडनी की बीमारी वालों को, क्रॉनिक किडनी डिजीज जो जिसको गुर्दा रोग है, समस्याएं हैं, इन लोगों को भी ज़्यादा सचेत रहना चाहिए इस बीमारी के खिलाफ। और जैसा कि आपने बहुत ही सही बताया कि लिवर की बीमारी वाले भी जो होते हैं, उनको भी बहुत ही सचेत रहना चाहिए, उनकी संभावना ज़्यादा है। जो हमें केसेस मिल रहे हैं इन सब पेशेंट्स में जब होता है, तब कोरोना की संभावना भी ज़्यादा होती है, और कभी कभी कोरोना की बीमारी इसमें थोड़ी सी
ज़्यादा सीरियस भी हो जाने की संभावना ज़्यादा जी रहती है, तो मैम, इसमें एक हमें तो फॉलो सवाल ये, क्योंकि आपने बताया कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा है तो इन्हें बचना चाहिए, तो इन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से ये रह सकते हैं? दूसरी चीज़ ये कि आप क्या कहना चाहेंगी लोगों को, कैसे दर्शकों को बताना चाहेंगी कि कैसे उन्हें बचना है, क्या कुछ करना है, एक संदेश भी। जी, बचने के लिए तो मैं आपको जो बताऊं, जो हम शुरुआत से जो बातें जो सामने उभर के आ रही हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि मास्किंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मास्क लगाने से अधिकतर ये संभावनाएं घट जाती हैं। यदि हम अच्छी तरह से सही तरीके से मास्क लगाएं, लोग मास्क लगाते हैं लेकिन अक्सर उनकी नाक के नीचे लगाते हैं या इस पर टाइट नहीं होता है, तो उससे क्या रहता है कि साइड से जगह रहती है जो वायरस की एंट्री के लिए संभावना रहती है। अगर हम अच्छा प्रॉपर मास्क लगाएं, सही तरीके से लगाएं, वो बहुत ज़रूरी है। 2 गज की दूरी जो हम बात करते हैं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायरस बहुत तीव्रता से फैलता है लेकिन यदि दूरी रखी जाए तो वो बिल्कुल तो वो फैल नहीं पाता है। तो जी डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, हमने कहीं भी हाथ लगाया बाहर जाके और उस हैंड सैनिटाइजेशन करें। कोशिश करें व्यक्ति कि जितना कम हो सके बाहर निकले, अपना सारा जो है एक लिस्ट बना ले काम का और एक बार में ही एक ही व्यक्ति निकले और उसे करें। ये नहीं कि घर के सारे व्यक्ति बाहर जाके छोटे मोटे काम निपटा रहे हैं, उससे सब एक्सपोज होते हैं। और सबसे ज़रूरी है एक वैक्सीनेशन जिनको हो सकता है, स्पेशली हम हाई रिस्क की जो बात करते हैं जी उनको, अब वैक्सीनेशन हमारे पास है। मैं आपको बताऊं कि वैक्सीन इतने कारगर हैं कि हमने ऐसा पाया है कि जो वैक्सीनेशन जिन लोगों ने लगा लिया है उसमें हम अक्सर देखते हैं जी तो जिन लोगों वैक्सीनेशन ने जरूर कराएं अगर आप उस एज में आते हैं, साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल का, गाइडलाइन का ध्यान रखें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया डॉक्टर स्वाति श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर SMS मेडिकल कॉलेज, जो जिनसे हम मुखातिब हो रहे थे और वो बता रही थी कि किस तरह से आपको ध्यान भी रखना है और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किन लोगों को खतरा ज्यादा।